हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम CRPF के जो भर्ती होने वाली है, यहाँ पे उसका सिलेबस पे बात करेंगे हम। तो यहाँ पे सिलेबस को हम विशेष चर्चा करेंगे, वो सिलेबस में क्या दिया है, कैसे आपको तैयारी करना है, कौन से बुक से आप तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहे, उस पर सब हम चर्चा करेंगे। इसका जो फॉर्म, अगर जो के स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरेंगे तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं आप, 12वीं बैच से फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपका स्टेनो होगा और यहाँ पे कांस्टेबल के लिए, जो कि SI के लिए और कांस्टेबल के लिए भर्ती निकाली गई है, 1458 जो वैकेंसी इसके लिए निकाली गई है, तो टोटल 1458 भर्ती किया जाए। तो जो कैंडिडेट SSC GD का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोग तैयारी कर रहे होंगे तो उन लोग भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। लगभग इसका जो सिलेबस है लगभग सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है, तो उन लोग भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उन लोग भी इसका तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पे सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे फॉर्म ऑनलाइन डालना स्टार्ट हो गए 4 तारीख से, तो फॉर्म को भर लीजिए जल्दी से जल्दी, आपका 31 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। तो चलिए सिलेबस के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस में हम बात करें, पहले यहाँ पे कौन कौन सा लेवल आपको इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो पहले आपको CBT 1 लिखित परीक्षा आपको देना पड़ेगा, वो भी आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर में बैठ कर आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा, 100 क्वेश्चन टोटल रहेंगे और यहाँ पे आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके बाद स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, एक इसके बाद आपका स्किल टेस्ट, जो स्टोनो के लिए फॉर्म भरे होंगे तो उन लोग को टाइपिंग भी जो कि इसमें किया जाएगा, SI के लिए, स्टेनो के लिए यहाँ पे टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। और इसके बाद अब जो इसके बाद आपका फिजिकल आ जाएगा, तो फिजिकल हो जाएगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और इसके बाद आपका मेडिकल लास्ट है, उसके बाद आपको सीधा ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। तो आपके लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और फिजिकल PST होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये जो परीक्षा है आपका ऑनलाइन बेस जो कि एग्ज़ाम होगा बहुविकल्पी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, टोटल 100 अंकों के यहाँ पे होगा, एक प्रश्न एक अंक होगा। आपको जो एग्ज़ाम है 90 मिनट का आपको टाइम देगा, 100 क्वेश्चन रहेगा तो आपको 90 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पे 0.25 जो कि यहाँ पे जो कि नकारात्मक मतलब नेगेटिव मार्किंग है, तो याद रखिएगा ये सब फैक्ट। तो यहाँ पे हम सिलेबस में बात करेंगे, तो सिलेबस में आप अंग्रेजी का भी दिला, पहला में आपके अंग्रेजी और हिंदी दोनों में से कोई भी आप सिलेबस में इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में या हिंदी वाले हिंदी में। तो टोटल जो प्रश्न 25 होंगे, कुल प्रश्न 25 होंगे और 25 नंबर इसमें आपको दिया जाएगा। इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड जिसे सामान्य योग्यता कहते हैं, तो आपको इसमें 25 क्वेश्चन और 25 नंबर का रहेगा। और इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस या समान बुद्धि परीक्षण जिसे सामान्य GK कहते हैं हम, ये आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर का ये रहेगा। इसके बाद आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो आपका मैथ्स वगैरह इसमें रहेगा, इसे आपका टोटल 25 यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 25 जिसमें नंबर दिया जाएगा। तो 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट का टोटल आपको 100 क्वेश्चन इसमें अटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट वगैरह जारी होगा, इसके आपको फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो चलिए सिलेबस को विस्तार से देखते हैं, आपको यहाँ से क्या क्या सिलेबस में दिया है, कैसे आपको तैयारी करना है। तो आपके रीजनिंग में आ जाएंगे, तो यहाँ से टोटल 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन, सॉरी आपका इंग्लिश का है सेक्शन है, तो इंग्लिश सेक्शन में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इरर, सेनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग इरर, आइडेंटिफायर्स और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इम्प्रूवमेंट आपके सेंटेंसेस, द एक्टिव पैसिव आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन और सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन आएगा और आप में फेजल वर्ब क्वेश्चन इससे आएगा इंग्लिश में, ये आपका इंग्लिश सेक्शन है। इसके बाद देखते हैं हम हिंदी में, हिंदी में सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो हिंदी में आपको संधि, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, लेखक और रचनाएँ, लिंग, समास और रस, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक, यहाँ पे अनेक शब्द के लिए एक शब्द यहाँ पे सिलेबस में दिया है, तो हिंदी का सिलेबस है तो इसको आपको हिंदी में पढ़ना है। इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी वाले हिंदी पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में सिलेबस में आपको यहाँ से क्या क्या पढ़ना है। तो आपको भारत के इतिहास पढ़ना है, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना है आपका, भारतीय संविधान पढ़ना है, भारतीय भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ना है और यहाँ पे सामान्य विज्ञान, साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्तमान में जो घटना हुए रहते हैं करंट अफेयर्स जिसे हम कहते हैं, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और खेलकूद से क्वेश्चन, यहाँ पे जो वर्तमान में खेलकूद वगैरह स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा।
इसके बाद देखते हैं हम रीजनिंग में। रीजनिंग में कहाँ कहाँ सिलेबस में कौन कौन सा आपको पढ़ना है, तो कोडिंग और डिकोडिंग आना चाहिए, क्रम परीक्षण और यहाँ पे दूरी दूरी अभिविन्यास पढ़ना है, अभ्यूह परीक्षण, वेन आरेख, स्थानांतर दिव्यावलोकन, सादृश्यता का समानता, वर्गीकरण या विषमता, श्रृंखला नंबर सीरीज कहते हैं, श्रृंखला परीक्षण, संबंध अवधारण, बैठक व्यवस्था जिसे सिटी अरेंजमेंट कहते हैं, और यहाँ पे लुप्त पदों को भरना, घड़ी और कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, गणितीय संक्रियाएं, गणितीय तर्क संगति, शब्द निर्माण और व्यस्तीकरण और शब्दों का तार्किक क्रम, ये आपके सिलेबस है रीजनिंग। अब आते हैं हम मैथ्स में। मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो मैथ्स में आपको दशमलव और भिन्न पढ़ना है, समय और दूरी पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, अनुपात और समानुपात पढ़ना है, और आपका औसत, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, सरलीकरण पढ़ना है आपको, और आपके LCM SCM पढ़ना है, समय और कार्य पढ़ना है, क्षेत्रमिति, वर्गमूल और ब्याज से संबंधित क्वेश्चन आपके मैथ में क्वेश्चन आएगा। तो सिलेबस में आपको इतना तैयारी करना है, बाकी आपके पास अभी मान के चलिए अभी आपके पास आपसे 2 से 3 महीने आपके पास टाइम है, तो आप अपना जो तैयारी ही बढ़िया कीजिए। जो कैंडिडेट SSC JD की तैयारी कर रहे होंगे तो उन लोग फॉर्म को भी जब लगभग SSC JD का और आपका CRPF का जो सिलेबस है लगभग सेम है, और आप किस में अलग आए हैं, आप जो स्टेनो की तैयारी कर रहे होंगे लोग, साथ ही साथ कंप्यूटर टाइपिंग भी उसमें मंगा गया है, तो यहाँ पर सारी स्किल टेस्ट में आपको कंप्यूटर जो कि इसमें टाइपिंग आना चाहिए, 10 मिनट में 80 शब्द आपको लिखना होगा आपके हिंदी में, और यहाँ पे अंग्रेजी में 50 मिनट या कंप्यूटर हिंदी में 65 मिनट में यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा टाइपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे टाइपिंग को भी साथ में लेके चलिए, टाइपिंग करते रहेंगे तो उस टाइम आप एग्ज़ाम के टाइम आपको अच्छा खासा टाइपिंग हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस को देख कर अगर इसके यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बुक्स बताऊंगा यहाँ पे आपको जो कहाँ से बुक से तैयारी कर सकते, तो यहाँ पे देखते कंप्यूटर जो टाइपिंग है यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी के लिए कोई भी लैंग्वेज में आप टाइपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इतना टाइपिंग आना चाहिए स्किल टेस्ट में। यहाँ पे थोड़ा जानकारी दूंगा मैं आपको जो हाइट वगैरह है कितना कितना होना चाहिए, तो पुरुष में जो सामान्य OBC SC वगैरह के जो हाइट होना चाहिए यहाँ पे जो कि 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिला के लिए 155 सेंटीमीटर, सीना आपका 70 से 82 सेंटीमीटर का जो कि फुल के आना चाहिए, और यहाँ पे पुरुष के लिए और 165 सेंटीमीटर का आपका हाइट होना चाहिए, और 155 आपका महिला वर्ग के लिए जो कि हाइट होना चाहिए मिनिमम है, और यहाँ पे और आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको 2 रंगीन फ़ोटो के साथ यहाँ पे मान्य फ़ोटो ID, आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी आपको वेरिफिकेशन में जाते हैं तो आपको लेके जाना है, और आपका 10th और 12th का मार्कशीट आपको ओरिजिनल यहाँ पे फ़ोटो कापी के साथ आपको लेके जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ पे इस सब को लेके जाना पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो बढ़िया तैयारी कीजिए, अभी से तैयारी में बढ़िया लग जाइए, 2023 में आपकी जॉब लग सकती है, अच्छे आपका SSC JD का जो कोई 2-10 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो उन लोग भी फॉर्म इसको अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसका जो CRPF जो लास्ट डेट है 31 तारीख को इसका लास्ट डेट है। यहाँ पे मैंने इसका जो कि यहाँ पे GK के सेक्शन में पूरा कंप्लीट करा दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बताऊंगा अगर आप GK के लिए बुक अगर पूछना चाहते हैं तो मेरे तरफ से सजेशन देना चाहूँगा, आप लूसेंट का GK का बुक आता है जनरल नॉलेज के लिए, तो लूसेंट का GK आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से बार बार उसको रिवाइज़ कीजिए, एक बुक को बार बार पढ़िए, 10 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लूसेंट का बुक लीजिए सफिशेंट है, उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। और आप अंग्रेजी के लिए यहाँ पे नीतू मैम का गणित जो अंग्रेजी माध्यम से, तो अंग्रेजी का नीतू मैम का आता है बुक, उनको ले सकते हैं अंग्रेजी के लिए, और हिंदी के लिए यहाँ मैं बताऊँगा तो हिंदी के लिए आपका लूसेंट का भी हिंदी का आता है, तो उसको भी ले सकते हैं सफिशेंट है। और रीजनिंग का मैं बताऊँ तो रीजनिंग के लिए बताऊँ तो मैं यहाँ पे रीजनिंग के लिए दीपक तिरथियानी का चैनल है, नाम को सर्च कर लीजिए यूट्यूब में, उनका रीजनिंग ज़बरदस्त रहता है, उनका क्वेश्चन है आपको सीधा डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है, तो उनसे रीजनिंग आप पढ़ सकते हैं, उनसे प्रैक्टिस के लिए बुक भी ऑनलाइन जो कि परचेस कर सकते हैं, तो वहाँ परचेस कर लेंगे रीजनिंग, तो आपको कहीं से भी और भटकने की ज़रूरत नहीं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो और हिंदी के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं, और अंग्रेजी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आप अंग्रेजी के लिए नीतू मैम के ले सकते हैं KD पब्लिकेशन का, और सामान्य ज्ञान के लिए के लूसेंट का GK क्वेश्चन ले लीजिएगा सफिशेंट है,
और यहाँ पे रीजनिंग के लिए दीपक तिर्तियानी के यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, बेस्ट टीचर हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर में आते हैं, और उनका बुक भी परचेस कर लीजिएगा, मिलता है, अच्छी बुक रहती है उनकी। और यहाँ पे मैथ्स के लिए बात करूँ, मैथ्स के लिए एचडी यादव की बुक ले सकते हैं, सबसे बेस्ट रहता है एचडी यादव का, तो बुक उनसे यूट्यूब में, यहाँ पे एसएससी मेकर वाले में भी जो कि मैथ्स अच्छी पढ़ाए जाते हैं वहाँ से भी आप बेसिक से क्लास लेके अपना मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अगर मैथ्स में कमज़ोर होंगे तो वहाँ से एसएससी मेकर से आप पढ़ सकते हैं। और अगर बुक लेना चाहते हैं तो आपके एचडी यादव से बुक परचेस कर सकते हैं, तो यहाँ से इतना बुक पढ़िए, बार बार उसको रिवाइज़ कीजिए, और वहाँ से शाम को इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कैसे टाइप के आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम सिलेबस पे बात करेंगे आपके कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके हिसाब से अपना तैयारी करिए, बुक को जल्दी जल्दी ले लीजिए और पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दीजिए। एसएससी की तैयारी कर रहे हो जीडी का, तो उसी को उसका जो सिलेबस है लगभग सेम सिलेबस है, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, उसी को बार बार रिवाइज़ कीजिए और 2023 में सिलेक्शन लीजिए। तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में शाम को या कल से हम स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे टाइप का आपको तैयारी करेंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, कैसा था आपके लिए नोटिफिकेशन, सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, बाकी आपसे बाहर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, आपका श्योर सिलेक्शन होगा। बार बार रिवाइज़ कीजिए, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपसे आपका आंसर देने को कोशिश करूँगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आऊँगा। अगर चैनल में पहले बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए बस आज के लिए, करंट अफेयर्स मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूं, तो करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं मेरे से, जो कि आपके सब एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।